बैड एंड डाउटफुल डेट्स. बैड डेट्स वो डेट्स होते हैं जो कस्टमर इज नॉट एबल टू पे, दैट इज कम्प्लीटली डिक्लेयर दैट अ पर्सन हैज बिकम अ बैंकरप्ट पर्सन और एन एंटिटी बिकम्स अ बैंकरप्ट एंटिटी. सो इस केस में हमें राइट ऑफ करना होगा, और राइट ऑफ का मतलब है कि हमें डेट्स को इलिमिनेट करना होगा और एक लॉस बुक करना होगा. सो बैड डेट्स कब होते हैं? जब एक कन्फर्म डेटर जो है वो पेमेंट नहीं करता. सिमिलरली डाउटफुल डेट्स वो डेट्स होते हैं जो पोटेंशियल बैड डेट्स हो सकते हैं, जिसके अंदर ये चांस होता है कि कस्टमर पे भी कर सकता है और कस्टमर नहीं भी पे कर सकता, इसलिए हम उसे डाउटफुल डेट्स कहते हैं और उसको इमीडिएटली राइट ऑफ नहीं करते. उसकी जगह एक अलाउंस क्रिएट किया जाता है, इट इज अ पोटेंशियल बैड डेट, सो डायरेक्ट राइट ऑफ नहीं किया जाता. नाउ बैड डेट्स और अलाउंस क्रिएट करने से पहले रिसीवेबल्स की कुछ एडजस्टमेंट्स समझते हैं. जब भी एक कस्टमर को क्रेडिट सेल्स की जाती हैं तो रिसीवेबल इंक्रीज होता है, और सेल्स इंक्रीज होती हैं तो हम एक एंट्री पास करते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट. फिर जब कस्टमर गुड्स रिटर्न कर देता है ड्यू टू सम डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और कुछ इश्यूज होते हैं तो हम इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं. इसी तरह कस्टमर से जब कैश रिसीव होता है तो रिसीवेबल डिक्रीज होता है, और कैश इंक्रीज होता है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है और रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया जाता है. इसी तरह बाद में हम कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर करते हैं, अगर कस्टमर डिस्काउंट अवेल कर लेता है तो डिस्काउंट अलाउड को हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाता है और अकाउंट रिसीवेबल को हम क्रेडिट कर देते हैं. अब अगर बैड डेट्स हो जाते हैं तो बैड डेट्स का मतलब होता है कि रिसीवेबल कम करना है तो रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया जाता है, और बैड डेट्स को एज एन एक्सपेंस जो है वो डेबिट कर दिया जाता है. इट्स अ लॉस, इट्स एन एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा. अगर इसकी बेसिस के ऊपर एक अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाया जाए तो अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, दैट इज ओपनिंग रिसीवेबल्स, क्रेडिट सेल्स इस साल की, उसके बाद इस साल क्रेडिट सेल्स रिटर्न, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, अगर कोई बैड डेट हुआ वो रिटर्न ऑफ हुआ, और उसके बाद एक क्लोजिंग बैलेंस अपीयर हो रहा है. दैट मींस ये हमारे वो डेटर्स हैं जिनसे एक अमाउंट एक्सपेक्टेड है कि हमें रिसीव होगा, और इस एक्सपेक्टेड अमाउंट के ऊपर हम एक पोटेंशियल बैड डेट्स क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स. ये अलाउंस जो क्रिएट किया जाता है ईयर एंड के रिसीवेबल्स पे क्रिएट किया जाता है, और ये अलाउंस जो है वो दो तरह का होता है. इट माइट बी अ स्पेसिफिक अलाउंस जो कि नोन होता है कि किसी एक कस्टमर के बारे में आपको डाउट है, और इट माइट बी अ जर्नल अलाउंस जो कि रिमेनिंग कस्टमर्स के बारे में पास्ट बेसिस के ऊपर असिस्ट किया जाता है, यूजुअली परसेंटेज बेसिस के ऊपर असिस्ट किया जाता है, सच एज 2% ऑफ द रिमेनिंग डेटर्स. लेकिन याद रहे कि पहले हम स्पेसिफिक अलाउंस डिडक्ट कर लेंगे रिसीवेबल्स के बैलेंस में से, उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस आएगा उस रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर हम जर्नल अलाउंस की एक परसेंटेज अप्लाई करके टोटल अलाउंस कैलकुलेट करेंगे, और टोटल अलाउंस इज द सम ऑफ बोथ स्पेसिफिक अलाउंस एंड जर्नल अलाउंस. अलाउंस क्रिएट करने के बाद हम उसे ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस से कंपेयर करेंगे, और एज अ रिजल्ट हमारे पास या तो इंक्रीज इन अलाउंस आएगा या डिक्रीज इन अलाउंस आएगा. अगर इंक्रीज इन अलाउंस आता है दैट मीन्स इस साल का अलाउंस पिछले साल के अलाउंस से ज़्यादा बन रहा है तो उसको एक्सपेंस बुक किया जाएगा, और अगर डिक्रीज इन अलाउंस आता है तो उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड किया जाएगा. फिर इंक्रीज इन अलाउंस और डिक्रीज इन अलाउंस की अगर एंट्री पर बात की जाए, क्योंकि इंक्रीज इन अलाउंस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस पीएनएल में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ और अलाउंस इंक्रीज हुआ, अलाउंस को क्रेडिट कर दिया. डिक्रीज इन अलाउंस इनकम होता है तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट किया और अलाउंस के अकाउंट को कम किया, सो अलाउंस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट. डिफरेंस निकालने का एक तरीका यह है कि हम ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और उसको क्लोजिंग बैलेंस से कंपेयर करते हैं. 10,000 ओपनिंग बैलेंस था, 15,000 क्लोजिंग बैलेंस है, इंक्रीज बाय 5,000 इज एन एक्सपेंस. ओपनिंग बैलेंस 5,000 था, क्लोजिंग बैलेंस अब हमें क्रिएट करना है 3,000 का, तो हम ऑलरेडी 2,000 से ज़्यादा क्रिएट कर चुके हैं, तो डिक्रीज बाय 2,000. इसको अकाउंट की मदद से भी किया जा सकता है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस. डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड के ऊपर, दिस इज इंक्रीज इन अलाउंस. ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस, डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड के ऊपर, दिस इज डिक्रीज इन अलाउंस. दिस इज अनदर वे जिसके जरिए डिफरेंस इन अलाउंस कैलकुलेट किया जा सकता है. उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है
एंड दैट इज 500,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर. अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस 10,000 जो कि लास्ट ईयर क्रिएट हुआ था, और इस साल हमने बैड डेट्स रिटर्न ऑफ किए 2,000 के, और अब हमें एक अलाउंस क्रिएट करना है 2% ऑफ रिसीवेबल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस फाइंड आउट करना होगा. तो हमने अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस लिया, इस साल के बैड डेट्स उसमें से माइनस किए, अलाउंस माइनस करके परसेंटेज नहीं लगानी बल्कि जो ग्रॉस रिसीवेबल है उसके ऊपर हम परसेंटेज लगाएंगे बैड डेट्स माइनस करने के बाद. तो हमारा जो रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस आया वो आया 4,98,000, उसके ऊपर हमने अलाउंस क्रिएट किया, अलाउंस आया 9,960. सो ये क्लोजिंग बैलेंस बनता है 9,960. हमने इसको ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर किया, ओपनिंग बैलेंस ज़्यादा है, क्लोजिंग बैलेंस कम है. ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 9,960. सो अ डिक्रीज इन अलाउंसेस रिक्वायर्ड ऑफ 40. अब बैड डेट्स हमारे पास 2,000 के थे, बैड डेट्स एक्सपेंस में जाएंगे, डिक्रीज इन अलाउंस इनकम होता है. तो नेट एक्सपेंस जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपोर्ट करेंगे इस साल का अगेंस्ट बैड एंड डाउटफुल डेट इज 1,960. आफ्टर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, समटाइम्स ऐसा होता है कि किसी पिछले पीरियड में हमने बैड डेट्स को रिटर्न ऑफ किया था लेकिन कस्टमर ने इस साल हमें पेमेंट कर दी. उसका फाइनल आउटकम ये होगा कि जो पेमेंट हमें रिसीव हुई होगी कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और बैड डेट्स जो प्रीवियसली एक्सपेंस में जा चुका था उसको रिवर्स करके बैड डेट्स रिकवर्ड को एज एन इनकम रिकॉर्ड करेंगे. सो बैड डेट्स रिकवर्ड इज इनकम. इसके बैक हैंड के ऊपर जो पहली एंट्री बनती है वो बैड डेट्स की रिवर्सल की एंट्री होती है, जिसके अंदर हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और बैड डेट्स को क्रेडिट करते हैं, ओरिजिनल बैड डेट्स की रिवर्सल की एंट्री. उसके बाद जो कैश रिसीव हुआ होता है उससे हम एंट्री पास कर लेते हैं, कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं. अब इन दोनों एंट्रीज को अगर ऑफसेट किया जाए तो रिसीवेबल रिसीवेबल से कैंसिल हो जाता है और अल्टीमेटली एंट्री पास होती है कैश अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट, दैट इज बैड डेट्स रिकवर्ड. अब बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड को हम एक सिंगल अकाउंट के अंदर भी रिपोर्ट कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंगल बैड डेट्स का अकाउंट बनाएं और उसके अंदर बैड डेट्स को डेबिट साइड के ऊपर एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट कर दें और क्रेडिट साइड के ऊपर रिकवर्ड रिपोर्ट कर दें, तो हमारे पास नेट बैलेंस आ जाएगा कि जी नेट बैलेंस हमारे पास 1500 है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिपोर्ट होना चाहिए. वरना इस तरह से भी कर सकते हैं कि सारे कॉम्पोनेंट्स को अलग अलग लिखें, बैड डेट एक्सपेंस, इंक्रीज इन अलाउंस इज एन एक्सपेंस, बैड डेट्स रिकवर्ड इज एन इनकम. सो नेट ऑफ वैल्यू हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाएगी. या फिर बैड डेट्स एक्सपेंस, डिक्रीज इन अलाउंस इज एन इनकम, डिडक्ट कर दिया, बैड डेट्स रिकवर्ड इज एन इनकम, डिडक्ट कर दिया, तो हमारा नेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा. तो बैड डेट्स हमेशा एक्सपेंस होगा, इंक्रीज इन अलाउंस होगा तो एक्सपेंस, डिक्रीज इन अलाउंस होगा तो इनकम, रिकवर्ड होगा तो इट्स ऑलवेज एन इनकम. फर्स्ट जनवरी 2018 में रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 300,000, अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 15,000. इस साल हमने एक क्रेडिट सेल ट्रांजेक्शन की 2,00,000 की, कैश रिसीव हुआ कस्टमर से 1,50,000, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हुए 10,000 के, और क्लोजिंग बैलेंस में हमें एक अलाउंस क्रिएट करना है 5% ऑफ रिसीवेबल. 5% ऑफ रिसीवेबल अलाउंस इज टू बी क्रिएटेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने एक अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट क्रिएट किया, 300,000 ओपनिंग बैलेंस लिया, उसमें सेल्स डेबिट की, कैश रिसीव क्रेडिट किया, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ किए, और हमारे पास एक क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,40,000 का. उस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर हमने अलाउंस की परसेंटेज लगाई 5%, तो हमारे पास अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस बनता है 17,000. अब हमारे पास अलाउंस का ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, क्लोजिंग बैलेंस हमने 17,000 निकाला. ई अकाउंट अप्रोच से ओपनिंग बैलेंस 15,000, क्लोजिंग बैलेंस 17,000, और डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,000 का इंक्रीज इन अलाउंस आएगा. और इंक्रीज इन अलाउंस क्या होता है, एक्सपेंस होता है. सो बैड डेट्स भी एक्सपेंस है, इंक्रीज इन अलाउंस भी एक्सपेंस है. तो बैड डेट्स 10,000 के और इंक्रीज इन अलाउंस 2,000 का, सो टोटल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 12,000 का रिपोर्ट होगा टोटल एक्सपेंस. अब बैलेंस शीट की जो पोजीशन है तो उसके अंदर बैलेंस शीट में रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस और अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस जाता है. रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस 3,40,000, अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस 17,000. सो नेट रिसीवेबल जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होंगे 3,23,000, ग्रॉस रिसीवेबल जो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होंगे 3,40,000.
सो बैलेंस शीट में बिफोर डाउटफुल डेट्स एंड आफ्टर डाउटफुल डेट्स दोनों बैलेंस रिपोर्ट होते हैं ताकि क्लियर पिक्चर हो के ग्रॉस अमाउंट कितना है और नेट अमाउंट हमें कितना शो करना है।